हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र के एस्ट्रो वार्ता चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आपको एक बार दोबारा से प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके सम्मुख माह दिसंबर 2020 का 12 राशियों का राशिफल लेकर के उपस्थित हुए हैं। मित्रों, एक एक राशि करके सारी राशियों के विषयों मतलब जातकों के विषय में जानकारी दी जाएगी, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास आजकल बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत प्रश्न आ रहे हैं लोगों के, जो हमारे दर्शक हैं उनका ये कहना है कि गुरुजी, जब भी आप राशियों की चर्चा करते हैं तो आप ये जरूर अवश्य बताएं कि ये जो आप राशिफल बता रहे हैं या राशियों से संबंधित जो भी आप चीज़ बता रहे हैं हमको, ये चंद्र राशि पर आधारित है या लग्न राशि पर। देखिएगा, ये हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हमारा जो भी कार्यक्रम होता है राशियों को लेकर के, जहाँ पर राशि की बात हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ लग्न राशि पर आधारित होता है। अब आपको ये भी समझा दें, जिन हमारे मित्रों को नहीं पता कि लग्न राशि क्या है, देखिए जो आपकी कुंडली है, जो आपका टेवा है, जो आपकी जन्म पत्रिका है, उसमें जो प्रथम भाव है फर्स्ट हाउस, वहाँ पर जो राशि लिखी हुई है 5, 4, 6, 8, 9 जो भी नंबर लिखा हुआ है, तो जो नंबर हो गया वही राशि है। यानी कि अगर वहाँ 5 लिखा है, 5 लिखा है, तो समझिए कि 5 नंबर पर सिंह राशि होती है, तो वो सिंह राशि हो गई, तो आपका सिंह लग्न हो गया। तो आप अपना जब भी देखें, जब भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो आप सिंह राशि करके देखें। अगर आपके कुंडली में प्रथम भाव में कोई और अक्षर लिखा हुआ है, मान लीजिए 8 लिखा हुआ है, तो वृश्चिक राशि हो गई, तो आप वृश्चिक राशि से देखें, आप जब भी हमारा वीडियो देखें। तो ये लग्न आधारित है, लग्न राशि पर आधारित है पूर्णतया। तो आइए अब हम आपसे चर्चा करते हैं राशिफल के विषय में, लेकिन राशिफल से पहले आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में बता दें कि इस अवधि में जो ग्रह हैं उनकी गोचर में आसमान में क्या स्थिति रहेगी, कौन ग्रह किस राशि में रहेंगे, कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे, कब वो वक्री होंगे, कब उल्टी चाल चलेंगे, कब वो सीधी चाल डायरेक्ट होंगे, सीधी चाल चलेंगे, कब वो अस्त होंगे, कब उदय होंगे, इस प्रकार की जानकारी आपको दे देते हैं। क्योंकि हमारे पास इस बात को लेकर के भी बहुत लोग जो हैं, हमारे दर्शक लोग, उनकी ये आती है कि आप जो हमें बताते हैं ये राशिफल से पहले ग्रहों की स्थिति के विषय में, ये हमारे लिए बहुत, एक तरीके से हमारे लिए बहुत काम का विषय है, हमें बड़ा आसानी से समझ में आ जाती हैं चीज़ें। तो उन्हीं की आसानी के लिए हम ये सब आपके साथ इतनी मेहनत करके आते हैं, लेके आते हैं ये सब आपके सम्मुख। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले ग्रह गोचर स्थिति की। तो देखिए, सूर्य देव वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, जो कि 15 दिसंबर 2020 की रात्रि 9:31 पर इस राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे तथा माह के अंत तक वे रहेंगे इसी राशि में स्थित। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं, 24 दिसंबर 2020 को प्रातः 10:18 पर ये मीन राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि मेष में मार्गी एवं उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे। बुध वर्तमान में अपनी समराशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, 17 दिसंबर 2020 को प्रातः 11:37 पर ये मार्गी और अस्त अवस्था में इस राशि से निकलेंगे और अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगी और यही स्थिति माह के अंत तक बनी रहने वाली है। गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में उदय एवं मार्गी अवस्था में अपनी सम ग्रह शनि के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि तुला में संचार कर रहे हैं, 11 दिसंबर 2020 को ये अपनी इस राशि से निकल करके प्रातः 5:16 पर अपनी समराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और पूरे माह फिर ये इसी राशि में ही स्थित बने रहेंगे। शनि ग्रह मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार कर रहे हैं अपने समग्रह गुरु के साथ, और जैसा कि हमने कहा कि गुरु इस समय नीच अवस्था में शनि के साथ विराजमान है,
और ये संचार इसी प्रकार होता रहेगा पूरे माह। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे इसी प्रकार, और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में इसी प्रकार संचार पूरे माह करते रहेंगे। तो ये था मित्रों ग्रह गोचर की स्थिति। आगे अब आपसे चर्चा करते हैं आपके राशिफल के विषय में। तो अब हम आपसे चर्चा करेंगे जो मेष राशि के जातक हैं उनके माह दिसंबर 2020 के राशिफल के विषय में, और सबसे पहले आपके व्यवसाय को लेकर के चर्चा करेंगे कैसा रहेगा इस माह। आपको अपने कार्य क्षेत्र यानी रोजगार या व्यापार में मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। जहाँ तक आपके अपने विभाग में जो भी कार्य आपके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं वे सब तो सफलतापूर्वक पूरे होते ही रहेंगे, लेकिन जो भी आप नए प्रोजेक्ट अपने हाथों में लेंगे या नई जिम्मेवारियां लेंगे या कोई नया टाई अप कोलैबोरेशन गठबंधन अब किसी और कंपनी के साथ आपका होने जा रहा है, ठीक है, उसके साथ करने के लिए आप कोशिश अगर कर रहे हैं टाई अप करने की, तो ऐसे सभी नए कार्यों में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप अपने लिए नए रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं तो उनमें भी अभी विलंब ही रहेगा। अगर आपको अपने विभागीय कार्यों से संबंधित लंबी दूरी की यात्राओं पर जाने की योजना आपकी बन रही है तो उसमें भी व्यवधान उत्पन्न होंगे, क्योंकि इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि आपके भाग्य के स्वामी गुरु बृहस्पति, जैसा कि हमने अभी बताया भी था आपको गृह स्थिति के विषय में, नीच अवस्था में आने के कारण आपको अपने भाग्य का सहयोग पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि हम आपको उदाहरण के साथ बता भी चुके हैं, नए कार्यों को पूरा करने में समस्याओं और कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो भी आपके अपने कार्य क्षेत्र में नियमित रूप से सामान्य कार्य हैं वो चलते रहेंगे, सफलतापूर्वक आप उन्हें पूरे करते रहेंगे। हालांकि माह के उत्तरार्ध में लग्नेश की स्थिति मजबूत होने से हालातों में सुधार होना आरंभ हो जाएगा। वित्तीय स्थिति, इस माह के मध्य से आपके द्वारा धन का संचय हो पाएगा, आपको सामान्यतः आय के स्रोत बने रहेंगे, कहीं से आपका अपना रुका धन भी आपको प्राप्त हो सकता है, सुख साधनों का लाभ आप प्राप्त करते रहेंगे। पूरे माह धन को लेकर यह माह सामान्य से ऊपर रहेगा। प्रेम संबंध, इस माह आपके ग्रहों के द्वारा प्रेम संबंधों को लेकर सहयोग नहीं मिल पाएगा, तो अगर आप इस दिशा में प्रयास करते हैं तो उनमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। विवाहित व्यक्तियों को माह के मध्य तक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी तथा माह के उत्तरार्ध तक सामान्य संबंध बने रहेंगे। माह के अंत में कुछ समस्याएं बन सकती हैं। पारिवारिक संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव दोनों प्रकार की ऐसी स्थिति बन सकती है इस अवधि में। हालांकि छोटे भाई बहनों का तो सहयोग आपको प्राप्त होगा, पिता के साथ संबंधों में थोड़ा सा तनाव रह सकता है। शिक्षा, माह के मध्य तक छात्रों की शिक्षा बाधित होगी या शिक्षा संबंधित परिणामों में रहेगी कमी, लेकिन माह के मध्य से अंत तक शिक्षा में प्रगति आपको होती दिखाई देगी तथा परिणाम भी आपके अनुकूल ही प्राप्त आपको होंगे। संतान, माता पिता को अपनी संतान को लेकर मन में कुछ परेशानियां बनी रहेंगी, लेकिन माह के मध्य से इन परेशानियों का अंत होना आरंभ होगा तथा संतान सुख में भी आपके वृद्धि होगी। इस अवधि में संतान के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाएंगे जो कि काफी प्रशंसनीय होंगे। स्वास्थ्य, माह के उत्तरार्ध तक स्वास्थ्य की ओर से ज्यादा कुछ परेशानी हो सकती है, माह के उत्तरार्ध से अंत तक उसमें कुछ कमी दिखाई देगी। आंख, दांत और मांसपेशियों से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। गुरु, अब उपाय कौन से करें? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जितनी समस्याएं जो जहां जहां जिनका अभी अभी आपके राशिफल में जिक्र हुआ है, अगर उनमें कुछ कमी चाहते हैं देखना, तो उपाय आप कर सकते हैं, उपाय हम आपको बता देते हैं। गुरुवार के दिन किसी भी धार्मिक स्थल पर धार्मिक पुस्तकें आपने दान करनी है तथा शिव सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करना है पूरे माह। अमावस्या के दिन ब्राह्मण को सफ़ेद मिठाई या फिर खीर फल आदि दक्षिणा के साथ दान करें, और ब्राह्मण को घर पर बुलाकर अगर भोजन कराते हैं तो और भी अच्छा, और उसको वस्त्र आदि अपनी श्रद्धा अनुसार और दक्षिणा कुछ दान करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। केले के वृक्ष की पूजा करनी है आपने गुरुवार के दिन। हल्दी, गुड़, चने की दाल, पीले पुष्प, जल इनसे और धूप दीप, और वहीं पर बैठकर 108 बार गुरु के मंत्रों का आप करें जाप। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये है मंत्र। वहीं बैठकर के 108 बार केले के सामने वृक्ष के करें।
करिए आप ये उपाय। तो जो आपको हमने अभी जिन परेशानियों की बात की है, चर्चा हुआ है, जिस जिस क्षेत्र में, स्वतः ही कम हो जाएंगी या दूर हो जाएंगी। तो ये था आप मेष राशि के जातकों का माह दिसंबर 2020 का राशिफल। अब आगे हम चर्चा करेंगे जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके माह दिसंबर 2020 के राशिफल के विषय में। अब अगर आपको ये राशिफल अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।